वो भाई साहब उतरी भाई साहब बट डेविल को भी पता चला कि नेगेटिव एनर्जी है बाहर। चले गए साहब। भाई साहब डेविल भी अंदर से भौंक रहा है यार। भाई साहब डेविल भी आ गया अंदर से। भाई साहब डेविल ने अटैक कर दिया यार इस पे। भाई साहब ओए भाई साहब सीधा मुंह पे अटैक कर रहा है यार इसकी। भाई अभी मैं तो ऊपर बैठा हूँ और भाई डेविल वापस से अंदर भाग गया है। डेविल ने दो तीन बार काट लिया इसको। भाई साहब ओए मम्मी के ऊपर अटैक कर दिया होता भाई अभी। भाई साहब ओए ओ भाई साहब ओ तेरी ओए काट रहे थे क्या आ गया इसमें क्या भाई साहब भाई इसके हाथ चेक कर ओ तेरी ओ भाई साहब ओए तेरी भाई पकड़ इसको नीचे नीचे लेटा भाई इसका ताबीज नहीं आ रहा भाई इसका ताबीज ओ भाई इसका ताबीज ढूंढते हैं भाई इधर उधर ही पड़ा होगा यार। अरे यार यहाँ पे भी नहीं है भाई ऊपर तो नहीं गया था वो भाई बाहर तो नहीं गिर गया भाई मैं ऊपर मिल गया ओ भाई साहब गिरा हुआ था यार जल्दी बांध जल्दी बांध ताबीज नहीं पहनूंगा भाई जल्दी बांध जल्दी बांध भाई बट डेविल ने इस पे दो तीन बार अटैक कर दिया जब वो सेलिब्रेशन कर रहे तब हाथ से निकल के गिर गया भाई भाई बेहोश हो गए तो घर में गंगा जल वगैरह रखा होगा वो डाल दे इसके ऊपर रोहित रोहित मेरे को लग रहा है ठीक हो जाएगा यार अब भाई होश आ गया इसको यहाँ क्यों गिरा रखा है मुझे भाई हमने नहीं गिराया भाई तू खुद गिरा हुआ है यहाँ पे क्या हो गया था तेरा ये तो तुम केक काट रहे थे भाई इसके कोई दिक्कत है यार ताबीज कैसे खुल गया भाई भाई ताबीज वहाँ पे बाइक के पास पड़ा हुआ था ये शक्ल कैसी बना रखी है तूने आंखों में क्या हो गया था क्यों कैसी सारी डाडी एक बार शक्ल देगी अपनी शीशे में जाके ताबीज बनते थे कि इसकी आंखें भी ठीक होगी भाई तूने खोलना क्यों था ये यार तूने पसीने क्यों आ रहे मुझे यार मैंने केक कब खाया भाई यार इसको मना किया था ना मीठा खाने के लिए पूरे मुंह पे लगा हुआ है यार भाई मुंह धो ले एक बार शक्ल देख अपनी उसमें यार ये क्या हो रखा है मेरे मुंह पे भाई तू बता तूने केक क्यों खाया मीठा खाने के लिए मना किया था मैं क्यों खाऊंगा भाई खुद ही डाल के ले गया था खुद गया था ना वहाँ पे मैंने कोई केक वगैरह नहीं डाला मैंने तो मना कर दिया था कि केक मुझे मत देना चल तू अपना मुंह धो ले तेरे को घर पे छोड़ाते भाई इसको जल्दी से घर पे छोड़ा इसके ताबीज को ना एक काम करते हैं जला के बांध देते वरना वो बार बार ऐसे ही बांध रहे फिर खुल जाएगा हाँ वही तो बोला मैं जला के बांध देते वरना फिर खुल जाएगा क्या हो गया था इसका आवाज कैसे अंदर कोई आत्मा वगैरह आती है उस वजह से ऐसी हरकतें करता है ये तो साफ साफ इसके अंदर ओपरा है और कुछ को ना तुम घर में ले आए इसने अब कीर्तन करवाना पड़ेगा कल सही कह रहे ये चीज अगर घर पे आ गई तो भाई क्या पता घर पे आ भी हो जाए हो जाएगी घर पे ताबीज गलत खोला भाई वो एक काम कर अभी उसको ताबीज को जला के इसके हाथ पे बांध देते हैं इसको घर पे छोड़ाते हैं सारी चीज ठीक हो जाएगी बस सो गाइस अभी रोहित को उतार के आ चुके अभी फाटक पे खड़े वेट कर रहे अभी घर साइड जा रहे हैं पूरा सीन हो गया यार घर पे अब घर वाले भी गुस्सा करेंगे भाई मम्मी के ऊपर अटैक कर दिया मम्मी तो इतनी ज्यादा डर गई और भाई भी इतना गुस्सा हो गया बोले कि भाई कल ही कीर्तन कराना पड़ेगा ये पता नहीं तुमने घर क्या चीज हावी करा दी भाई पर ये चीज समझ में नहीं आया उसके हाथ से ताबीज कैसे निकल गया यार सही कह रहा यार सेलिब्रेशन कर रहे थे शायद वो कुछ जला रहा था ना तभी छूट गया होगा भाई उसके हाथ भाई भाई कितना गुस्सा कर रहा था यार उसे तो पता भी नहीं था ये चीज वो तो नॉर्मली निकल गया उसके ऊपर भी अटैक कर दिया और भाई डेविल ने तीन चार बार अटैक करा इसके ऊपर डेविल से भाई बची गया नहीं तो भाई डेविल खा लेता यार वो तो लास्ट में शुक्र है यार बाइक के पास गिरा हुआ था मैंने तो तभी उठा के बांध दिया उसके हाथ वो तो भाई ने संभाल लिया तो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रखा था ये हमसे तो संभल में नहीं आता भाई नहीं आता भाई गाइस अभी फाटक भी खुल चुकी है अभी मोहित और विनीत को घर साइड छोड़ के आ रहा हूँ और गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं आप लोगों को सुबह मिलते हैं भाई तो गाइस अभी सुबह भी हो चुके हैं भाई सुबह तो नहीं भाई दोपहर के एक बजे हुए और भाई मेरी अभी आंख और भी अभी भी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रहा है दवाई वगैरह लेने से भी कोई भी असर नहीं हो अभी दोबारा डॉक्टर के पास जाके दवाई वगैरह लेनी पड़ेगी भाई गले में इतना दर्द है कि ब्लॉक करते टाइम भी गला इतना दर्द कर रहा है भाई अभी सारे सब्सक्राइबर इकट्ठे तो हो चुके हैं भाई केक तो पहले ही कट चुका तुम खा रहे थे खा रहे शर्मा के थे भाई सुबह इसका रात को लेट हो गए थे इसलिए आज दोबारा सारे सब्सक्राइबर इकट्ठे हो रखे भाई इनके साथ केक काटेंगे दोबारा थैंक यू भाई थैंक यू सो गाइस फिर से अपने सब्सक्राइबर आ चुके थैंक यू भाई लो भाई सबका केक केक खाओ अभी डेविल को देखो इसकी पूरी मौज हो रखी है देखो भाई सामने कूलर के सामने पड़ा रहता हूँ सारा दिन इतना आलसी हो रखा है सुबह इस टाइम देखो दोपहर के 12:30 हो रखे और भाई 12:43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है।
इतनी ज्यादा धूप पड़ रही है भाई। तो भाई अभी मेरे पास विनीत की कॉल आई है, पहले उसके पास चलते हैं फिर चलते हैं भाई दवाई लेने। भाई अभी विनीत को बिठा लिया था भाई, अभी घंटे का रस पी रहा था मैं तो। और भाई बेचारे की इसकी भी तबीयत खराब हो रखी है। तेरी तबीयत कैसे खराब होगी भाई? पता नहीं भाई, रात को ठीक सोया था, सुबह उठाना एकदम से मतलब फीवर हो रखा और सिर में दर्द बहुत ज्यादा। अभी मैं दवाई लेने जा रहा था, तू भी साथ ही चल भाई, दोनों दवाई लेके आते हैं। सो भाई अभी 1:04 है भाई, 1 बजे डॉक्टर का लंच टाइम हो जाता है यार, जब तक जाएंगे जब तक बंद हो जाएगा। क्या करे भाई, एक काम करते हैं, हेयर कट करा लेते हैं। सो गाइस अभी दवाई तो 1 घंटे बाद लेके आए हैं क्योंकि अभी लंच टाइम हो जाएगा, अभी पहले हेयर कट और बियर्ड कट कराने चलते हैं। सो गाइस अभी शॉप पे आए थे, यहाँ पे यार वो तो है ही नहीं, चले काम करता है, मैं ही काट देता हूँ तेरे बैठ। अबे साले भाई साहब कटिंग करवानी है? हाँ, भाई साहब बैठो। व्लॉग बनाने सिखाते हैं, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई कैसे बनाते हैं व्लॉग? गाइस वहाँ पे कटिंग हो रही है, यहाँ पे सफाई हो रही है। सो गाइस अभी सैलून से तो निकल के आ चुके हैं। ओए ओए भाई साहब कहाँ चढ़ गई, तगाड़ दे है गाड़ी बक्के गया ना। आपको क्यों दूंगा भाई यार, तेरे पीछे था कौन? वो कार वाला ना था मेरे पीछे वो था। और अरे पाचा था यार हमारे भाई, हमारे आगे जो था, आपको क्यों दूंगा यार। हाँ ठीक है, अभी मुंह पे कैसे पलट गए कि भाई आपको तो दिया ही नहीं भाई। भाई ऐसे कोई भी बंदा दिख गया ना भाई, कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो देख लो खैर नहीं है भाई उसकी। यार एक बार गाड़ी तो रोको, क्या हो गया था, गड्ढे में उतार दी तूने? पता नहीं किसी गड्ढे वड्ढे में लगी थी नीचे से है ना भाई साहब। ये क्या हुआ भाई? भाई फेंडर टूट गया साइड वाला, वो गड्ढा इतना गहरा था यार, ये टायर में अटक गया ना भाई तो दिक्कत हो जाएगी। सो गाइस अभी खाम खा नुकसान हो गया, एक बार इसको फेंडर को ठीक करा लेते हैं भाई। गड्ढे में जैसे ही लगी ना वो अंदर का फेंडर टूट गया भाई, जब गाड़ी का फेंडर चेंज कराने आए हैं। भाई ये देखो ये फेंडर टूट गया नीचे ना, न्यू फेंडर तो आ चुका, अभी लगवा के यहाँ से निकलते हैं भाई, काफी भूख भी लगी है और भाई डॉक्टर भी आ चुके होंगे, ये देखो भी सारी क्या हालत हो रखी है। जब घर वालों ने फल फ्रूट मंगाए थे, अभी सारी चीजें पैक करा रहा हूँ। सो भाई गाड़ी ठीक करा के तो आ चुके थे, अभी भाई ग्रीन्स कैफे पे आए थे भाई, अपना बादाम रगड़ा पीने भाई मैंने तो पी लिया, विनीत का यहाँ पे रखा हुआ है। सो गाइस ये देखो मैं कीर्तन का सामान लेके, घर वालों ने वो सारी सीन देखा था ना भाई, घर वाले उसी से डर गए और बोले कि भाई घर में कीर्तन कराना पड़ेगा, ये सारा सामान मंगवाया, कल कीर्तन कराएंगे भाई घर वाले। और भी वो सारा सीन देख के काफी ज्यादा डर गए थे, बोले कि ये सारी चीज क्या कर रखी है तुमने, क्या अपने पीछे लगवा रखा है, तो भाई कल कीर्तन वगैरह कराएंगे। सारे काम तो निपटा लिए, सारे सामान को घर पे रख के एक बार भाई अपने पीस के लिए वो स्टेरिंग और ले गया। सही कह रहा भाई, वो ऑर्डर कर रखा वो भी तो लेके आना यार, घर पे जाके ना दोगे जल्दी से स्टेरिंग लेने निकलते, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, आते ही एनएफएस में उसी पे खेल लूंगा। और भाई टॉप वाला मॉडल लेके आएंगे G923 वाला भाई, वर्ल्ड में उससे ऊपर मॉडल नहीं आया अभी तक। सो गाइस अभी विनीत के घर पे आए थे, विनीत बोला कि मैं अभी रेडी होके साथ ही चलूंगा भाई। चलो भाई जल्दी चलते हैं भाई, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है यार, आते गेम खेलने। सो गाइस अभी घर आ गए थे, घर आके कपड़े वगैरह चेंज करे, ये देखो भाई कितने सारे गेम डाउनलोड कर लिए, देखो पबजी फोर्जा होरिजन, 3-4 हज़ार रुपए का गेम है भाई ये फोर्जा होरिजन, अभी खेल के दिखाता हूं इसकी ग्राफिक, इसकी कार वगैरह कितनी तगड़ी है भाई। गाइस ये देखो स्टार्टिंग में क्या क्या गाड़ी अनलॉक करके दे रखी है भाई, भाई सबसे तगड़ी है सुपरा दे रखी है, ये देखो भाई साहब ग्रे कलर में कितनी मस्त लग रही है। गाइस अभी अपनी सुपरा तो आ चुके हैं, ये देखो भाई नंबर प्लेट, अभी इनके साथ रेस लगाते हैं भाई, इसकी टॉप स्पीड 320 तक जाती है। तो भाई अभी इसमें कीबोर्ड में खेल ले भाई, इसमें मजा नहीं आ रहा है, स्टेरिंग लेके आते हैं भाई, ये गेम इसलिए स्पेशली डाउनलोड किया था कि भाई स्टेरिंग में लेके आएंगे, ब्रेक वगैरह सारी चीज रियल फील लेंगे भाई, इससे पहले दवाई लेनी पड़ेगी। अब क्या हो गया भाई, एकदम से तबीयत खराब हो गई। सो गाइस अभी विनीत की तबीयत थोड़ी ज्यादा डाउन हो गई, एक बार दवाई दिला के लाते फिर चलते। सो गाइस अभी सीधा एक बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सो गाइस अभी डॉक्टर के पास तो आ चुके हैं भाई, विनीत क्या हो गया, क्या बोल रहा है भाई? भाई थोड़ा टाइम लगेगा, तुम मोहित को ले आए। गाइस अभी मोहित के घर के बाहर तो आ चुके भाई साहब, ये देखो रोहित ने इसकी गाड़ी तोड़ दी थी, अभी इसने दूसरा शीशा लगा। सो गाइस मोहित को लेने आया था, ये देखो भाई बच्चा पार्टी भी साथ हो गई है। सो गाइस मोहित बनियान बनियान में आ गया था, अभी इसे बताया ना कि भाई दिल्ली जा रहे स्टेरिंग वटेरिंग लेने गेमिंग के लिए, अभी ये कपड़े वपड़े पहन के आया भाई, सेटअप लेके आना जरूरी है यार, इतने तगड़े तगड़े गेम डाउनलोड कर रखे मैंने उसमें पेड, जो भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपए के थे। मिल गए भाई दवाई, दिखा कहीं झूठ बोल रहा हो भाई। सो गाइस अभी और 5 मिनट में पहुंच, सो गाइस अभी शॉप पे आए थे।
सो गाइस ट्राइपॉड को भाई लॉजिटेक का गियर बॉक्स ये रखा भाई अपना स्टेयरिंग ये देखो भाई घर पे जाके अनलॉक करके सारी चीजें दिखाएंगे आप। तो गाइस अभी अपना स्टेयरिंग लेके तो आ चुके हैं, अभी इस घर साइड चलते हैं भाई, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है भाई खेलने की। यार जाते ही खेल लूंगा, जल्दी चल भाई। भाई अभी 100 की स्पीड में अभी भगाई। अरे ओए स्कॉर्पियन तो यार मस्त लग रही है, ब्लैक कलर में भाई सब ब्लैक कलर में तो यार गैंगस्टर गाड़ी लग रही है बिल्कुल। भाई एक नंबर ले ले क्या स्कॉर्पियो और क्या वो भी ब्लैक कलर में। सही हो जाए, काम कर तो फोन करे, पूछो भी नहीं एक बार, टेस्ट ड्राइव मिल गया ना भैया अभी ले लेंगे। दो तीन जगह पूछ रहा, वो मना कर रहा था कि वहाँ पे नहीं है यार। कोई से भी शोरूम में नहीं है, एक नोन है भाई उससे और पूछता हूँ भाई, वेटिंग भी तो 6-6 महीने की रहती है। सो गाइस अभी एक नोन के पास कॉल गया था, वो बोला कि भाई वैसे तो शोरूम में नहीं खड़े पर आप लोग आपके लिए मैं अरेंज करा दे, अभी जल्दी से उसके पास जा रहे हैं भाई टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं भाई स्कॉर्पियो एन की भाई ब्लैक वाली। सो गाइस टाइम देखो 6:30 हो रखे, शोरूम 6 बजे के बाद किसी को टेस्ट ड्राइव भी नहीं देता। सो गाइस वो बंदा टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी तो लेके आ चुका था भाई साहब, ये देखो ब्लैक स्कॉर्पियो लेके आया भाई, इतनी तगड़ी लग रही है यार काम करते अभी ले चलते मन तो ऐसा ही कर गया भाई कि अभी ले चले इसे। तो गाइस वो बंदा हमारा जानकार था, वो बोला कि भाई 6:30 बजे के बाद मैं दे नहीं सकता, पर भाई मैं तुम्हारे लिए लेके आया इसलिए मैं वीडियो में नहीं आ सकता वरना मेरी नौकरी में बात आ जाएगी। तो भाई हमें अपनी स्कॉर्पियो मिल चुकी है, अभी लेकर चलते हैं भाई से टेस्ट ड्राइव लेते हैं, जल्दी बैठो भाई। तो गाइस ये देखो स्कॉर्पियो में आके तो बैठ चुके भाई साहब, ब्लैक का कितना तगड़ा इंटीरियर है यार, स्पीड बढ़ जाएगी। अरे स्पीड नहीं है गाने हैं इसमें, पागल है किस गाड़ी में ट्यूनिंग करा रखी है भाई साहब, अभी देखते भाई बगा के। सो गाइस गाड़ी लेके तो आ चुके पेट्रोल पंप पे, और भाई साहब ये देखो भाई भाई शोरूम वालों ने इसमें पेट्रोल इतना भी नहीं डाल रखा कि टेस्ट ड्राइव ढंग से ले लें। तो गाइस शोरूम वाले भी क्या याद रखेंगे भाई, टंकी फुल करा के देते हैं उनको। ये देखो सामने ट्रैक है, इस पे भगा के देखते हैं ऑफ रोडिंग करेगा क्या अभी से भाई, 4x4 है ऑफ रोडिंग करेंगे। ये देखो ट्रैक आ चुका भाई प्रॉपर ऑफ रोडिंग का भाई, इतने तगड़े सस्पेंशन है, गड्ढों का पता भी नहीं चल रहा। देखो कितना खराब रोड है, 1% भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है। देखो सही कह रहा भाई, सब कुछ छोड़ लेके आते हैं ब्लैक कलर में। अब भाई इसको वापस दे देते हैं, इसकी बात कर लेते हैं कि कैसे कब दिलाओगे। क्यों देनी है भाई, अरे टेस्ट ड्राइव वाली है पुरानी, जैसे हम लोग चला रहे हैं ना वैसे बतेरे लोगों ने चला रखी होगी। अभी उनसे बात कर लेते हैं, अभी उनके पास चलते हैं, उसे सारी कोटेशन वगैरह ले लेते हैं एक बार। सो भाई स्कॉर्पियो तो वापस दे दी, अभी अपनी गाड़ी में आगे बैठ चुके भाई, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी एक दो मंजिल नीचे आगे बैठी है भाई। पर एक दिक्कत है यार, 6-6 महीने की वेटिंग बता रहे हैं यार इसमें भाई, तभी तो उसको 20,000 एक्स्ट्रा दिए हैं, हो सकेगा वो जितनी जल्दी होगा ना उसके हाथ में आते ही करा दे। सो भाई उस भाई ने बोला कि भाई व्हाइट स्कॉर्पियो तो कितनी ले लो भाई, अभी खड़ी है अभी बोलोगे अभी दे दूंगा, पर भाई 6 महीने की वेटिंग है भाई ब्लैक स्कॉर्पियो के लिए, इतनी ज्यादा डिमांड में है। पर चाहिए तो ब्लैक यार, व्हाइट अच्छी नहीं लगती, ब्लैक लगती है भाई बहुत भयंकर। और उसने बोला वैसे तो 6 महीने की वेटिंग है पर तुम हफ्ता 10 दिन रुको, मैं तुम्हारी अरेंज करा के देता हूँ, उसे बुकिंग अमाउंट वगैरह तो दे दे, कोटेशन वगैरह सारी चीज ले ली। टॉप मॉडल 4x4 सनरूफ भाई, बुकिंग तो करा दी है, वो बोल रहे हैं जितना जल्दी हो सके तुम्हें मिले भाई, जल्दी घर पे ले ले यार, वो अपने वाली भी तो चला। सही कह रहा है, वो गेमिंग का वो सेटअप लेके आया भाई पूरा, वो भी तो चला। फोर्ज़ा हराइज़न 5 में खेलते हैं भाई, मस्त सुपरा के साथ खेल लेंगे। तो गाइस अभी रूम में आके सारी चीजें सेटअप तो कर दी, ये देखो भाई साहब वो अभी से स्टार्ट कर दिया, रुक तो जा अभी सारी चीज बताने तो। सो गाइस ये देखो स्टीयरिंग, इसमें कितने सारे कंट्रोल, एक्सेलरेटर, ब्रेक और ये क्लच। चल भाई रेडी है, इसको सेटअप को थोड़ा सा चेंज करना है, अभी तो बस ये टेम्परेरी लगा रखा अभी खेलने के लिए भाई, टेबल पे खेलने में अलग ही फील आएगी, ये तो हमने टेम्परेरी जुगाड़ किया। ये तो बस अभी कुछ मिला नहीं इसलिए लगा के देख रहे कि भाई चल रहा है कैसे चल रहा है। ये देखो भाई मोहित ने तो गेम खेलना भी स्टार्ट कर दी। सो गाइस अभी मोहित को एक टास्क दे रहे हैं भाई, इसको 100 की स्पीड पे लेके जानी है भाई ये गाड़ी, सुपर है भाई साहब, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसे चल भी नहीं रही, 40, 50, 60 भाई डिसबैलेंस होने लगी अभी से, दोनों हाथ लगा लिए भाई 60 अब जाइए गई खेतों में। ज्यादा स्पीड दे दी भाई तूने, स्पीड थोड़ी कम रख, 70 हो गई खेतों में, हो गई खेतों में भाई साहब, 2 mph पे भी नहीं पहुंचा पाया भाई, इतनी ज्यादा पावरफुल है यार, ये चल ही नहीं रही। स्टीयरिंग को देख देखिए, स्टीयरिंग भी तो वाइब्रेट होता है, ये देखो भाई ये इसमें फील होता है जैसे वो ऑफ रोडिंग पे उतरती है ना। 90 भाई 100 लेके जानी है भाई, नहीं ले जा पाया। सो गाइस अभी मोहित को गाड़ी के अंदर ही बिठा दिया, ये देखो भाई जैसे रियल गाड़ी में वापस आ जाता है ना, डल ये देखो घुमाने के बाद वैसे ही वापस आ जाता है। और ठोक दी, तूने ठोकी है भाई, तूने ठोकी है भाई, ओ भाई साहब गई भाई, पहाड़ी के नीचे गई गई,
एक्सीडेंट हो गया, बहुत खतरनाक। ज्यादा तेज देखो कौन आया भाई साहब, सानू भी मामा के घर से वापस आ चुके हैं, आती गाड़ी चला रही है। अभी विनीत को देखो भाई, पबजी खेल रहा, एक बंदा नहीं मारा। सोइस अभी अंदर गेम खेल लेता भाई, रोहित के घर से फोन है, पता नहीं वो कहां चला गया। अभी घर से निकल के जा रहे हैं, क्या बोला भाई उसका भाई? पता नहीं भाई, यार नहीं मिल रहा हूँ घर पे, जल्दी चलो यार। यार कहां चला गया यार वो अचानक? पता नहीं, उसका भाई बोल रहा अभी थोड़ी देर पहले जो घर पे था, फिर एकदम से पता नहीं कहां गायब हो गया भाई साहब। अब कहां ढूंढे यार उसे, एक बार लोकेशन वोकेशन पे पता कर अपने। नहीं मिल रही भाई लोकेशन, कोई लोकेशन नहीं दिखा रहा नहीं भाई। भाई साहब एक बार जाके दिखा रहा, वहीं पे चल के देखते हैं आसपास, देखते हैं ढूंढते हैं, उसे कहीं पे भी नहीं मिल रहा। अभी मेन रोड साइड आया है, अभी यहाँ पे उसका प्लॉट वगैरह है, एक बार वहाँ पे और देख के आते हैं। फ्लैट पे तो नहीं चला गया वो भाई, फ्लैट पे क्या करने जाए? फ्लैट पे जाता तो गार्ड फोन कर देते भाई, वही तो लोकेशन भी दिख जाती उसकी लास्ट। सो गाइस अभी उसके प्लॉट के बाहर तो आ चुके हैं, एक बार यहाँ पे जाके देख के आते हैं। अभी उनके प्लॉट पे ऊपर पता करके आए भाई, ऊपर तो ताला लगा हुआ था भाई, जो वो उस दिन शमशान वाले रोड पे जा रहा था भाई, पुराने रेलवे स्टेशन पे, वापस तो नहीं जा रहा भाई, जिसको वो अपना घर बता रहा था। सही कह रहा भाई, पे चल के देखते भाई, भाई एक बार ब्लैक मैजिक का असर हो गया हो यार भाई साहब, भाई एक बार जल्दी चल। तो भाई अभी रोहित के दोस्त के पास अननोन कॉल किसकी आ रही है? अननोन, हां भाई कौन? बड़ी डाडी वाला। हाँ एक्सीडेंट, कौन से हॉस्पिटल में भाई? जरूर पे भाई, काम कर जल्दी ले ले यार। यार कहाँ मिल गया भाई वो, कहाँ एक्सीडेंट हो गया यार उसका? भाई बड़ी डाडी वाला तो रोहित ही है यार भाई, उसी को तो ढूंढते घूम रहे हैं भाई, जल्दी चल कहीं भाई, जल्दी एक काम करो हॉस्पिटल में ले ले। सो भाई अभी किसी अननोन बंदे का फोन आया, अभी बोल रहा है कि तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो रहा है, कई बार हॉस्पिटल में आगे देख लो। चल यार कैसे हो गया भाई उसका एक्सीडेंट? वो जैसे उस दिन जा रहा था ना रेलवे स्टेशन की तरफ, कह रहा भाई जब उस पे उस आत्मा का असर होता है, उसको खुद नहीं पता होता यार वो कहाँ जा रहा कहाँ नहीं यार। तो भाई अभी जल्दी से बस सीधा हॉस्पिटल में जाके एक बार देख के आ रहे हैं। तो भाई अभी हॉस्पिटल के बाहर तो आ चुके हैं, चल भाई शायद वही बैठा हुआ है, जल्दी चल 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 जल्दी चल।